बुंदेलखंड बुंदेलो कारण पीरो की यही अवल शब्द दीक्षा प्रतीक्षा सांस्कृतिक दल महोबा की ओर से दो शब्द कि खुशी से बीते हर दिन हर रात सुहानी हो, कि खुशी से बीते हर दिन हर रात सुहानी हो, चांद सितारों से भी ज्यादा आप सभी की जिंदगानी हो, आप सभी की जिंदगानी हो। और सभी से मैं आशीर्वाद की कामना करती हूँ। और कहा जाता है कि अपना अपना बाना, अपना अपना खाना, और ये है बुंदेलखंड का गाना। और ये बुंदेलखंड की एक बहुत अच्छी विधा है वीर रस आल्हा गायन, जो आज हम आप लोगों के बीच प्रस्तुत करने जा रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ परंपरा रही है कि पहले सुमरणी साखी प्रसंग, उसी प्रकार से मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। उसके पहले दो मिनट नाल का अब बात सुने, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। पहले माँ शारदे की सुमरणी। पुने पुने बनो शारदे, पुने पुने बनो शारदे, कंज मंज पद तोर, करहु कृपा की कोर, असे होए बिमल मति मोर। मैं मति मंद ज्ञान बलहीना, मात कृपा की कोर करो। साखियों का वर्णन, सती न देखी दी।
है वा काहे का बिना रहो मोर पै काहे कतिरिया अब बिन पत है काहे का राखिया अब बिन पत है वा काहे का बिना रहो लागी बिन मैं अपने राग खायो जंगल का बिना कैसा है हमारे इस बुंदेलखंड की विशेषता क्या है। अमर के बीच में प्रपाई पवन मंडल का और मंडल के बीच में झला झल झाका है झला झल बीच जला जल राज रयो फिर धरा तल ताका है कहत बिहारी इस धरा तल पे खंड रचा खंडन के बीच नौ खंडन को नाका है नौ खंडन के बीच ब्राजो फिर भारत खंड और भारत खंड के बीच माँ अरने बुंदेल खंड बकाए बुंदेल खंड बुंदेलों का रण Thank you.
नगर महुआ काशी होएगा गंगा होएगा तीर्थवा ताल शिव की पिंडी मनिया होए तो पूजा करे राजा परमा अति विचित्र गण पनो महुआ देखत अदमत पौरानी सुहावन है अति मन भावन संत महान सभी अटके ओ फटक चार चौहार दीवार है जानक की तलवार है लटके और यहाँ की बातें ले यही छोड़ दो अब माहिल के सुनिए हवा सोच रहा है मन में मोरे महुआ मोरे बाज को चवरन चीनो चंदे लारा लूटे करा हा लूटे करा लूटे करा हा लूटे करा हा तब तब छाती का दाव बुझाए यहां सोच के लिखता है कि सामने समय संबरी करा महुआ आए अल युद्ध सामंत तो कर बज गए रिसा अब जो चूके भूप तो फिर पीछे पछता माहिल ने लिखा कि आला उतल महुआ से निकल चुके हैं और ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा अगर ये मौका चूक जाएंगे महाराज तो ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा तो अब माहिल पत्र लिखकर पृथ्वीराज के पास पहुंचता है पनले पापा मैं करवाई अपनी मुहर दे दे लगाए लिली घोड़ी का चढ़ भैया अब दिल्ली का होत तैया इड़े लगाई अब घोड़ी कर घोड़ी चले करम रोज की मंजिल करके दिल्ली शहर पहुंच गयो जाए पर लगी कचारी बादशाही की गरमा गरम लाग दरबार पर बिठो गलीचा मखबल वालो बिठो गलीचा मखबल वालो या काली ने आगरा क्या छोटो चेला गंदी कर को बंगला दे ना की मां पे सात हाथी ऊंचो सिंहासन तापे मिल रहे चौहान नजर घूम गई पृथ्वीराज की और माहिल पे परी निगाह आओ आओ रे वाले तो बैठो ने माहिल से पूछा कि माहिल अपने कुशल देव बतला मुस्की मार दई माहिल और महुआ के लागू बदान महाराज
घायल यन मन चूक हो अनुगुण मंजिल नार ओ अनहोनी चंदेल कर देखत वीर बिचार। महाराज पता चलता है तो किस प्रकार से कोप करता है। सुनो हवन, जिस समय रानी मल्ला को पता चलता है क्या सोचती है, किस प्रकार से रानी मल्ला को आला उदल को याद करती है। खोल के मनिया चलता है, इसके बाद ब्रह्मा को पता चलता है कि किस प्रकार से पृथ्वीराज ने महुबा को घेर लिया है, किस प्रकार से क्रोध में छा जाता है ब्रह्मा, और क्या कहता है ब्रह्मा कि मैं अकेले सरसेल झेल पिथल दल हाको और कर कल गन का खेल झेल सन सब से पटो दैत टंका बिकराल काल को शंका नैया और ताल करकट भूपाल आवे तो बांधो तुम्हें जब वसी मन को खम्बा पारो सिरसा बाल मरद मलका कलसा भेटे ते असमानी के अनन दिवे वाल कन्हैया लाले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मैं प्रतीक्षा यादव महुआ से जय हिंद जय भारत। मैं अपनी बाड़ी को प्रणाम देती हूँ। मैं दीक्षा यादव महुआ से जय हिंद जय भारत। बेला भवानी पे गढ़ दिल्ली के जो अवतार काली
गोबर नत बने न पानी में, तो वीर बहादुर बागी बनत वाग भरी हो पानी में। चंबल नदी धसान बेतवा यमुना केन किनारा है, और मिल उत्तर मध्य प्रांत की सीमा को विस्तारा है। एकलव्य यूनिवर्सिटी दमोह विल गाइड यू टुवर्ड्स अ ब्राइट फ्यूचर। 28 एकर्स ऑफ लस ग्रीन कैंपस, लार्जेस्ट कैंपस ऑफ बुंदेलखंड, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड फैकल्टी, 50 फ्यूचर रेडी कोर्सेज थॉट इन 12 डिफरेंट स्कूल, सेपरेट कोर्स एंड ग्राउंड फॉर स्पोर्ट, फुली इक्विप्ड लैब एंड वर्कशॉप, सेफ एंड फुली इक्विप्ड सेपरेट हॉस्टल फॉर गर्ल्स।